अच्छा, टाटा मोटर्स पे आपका बहुत एक सकारात्मक व्यू था, जब आप बाकी ऑटोज पे नेगेटिव थे उस वक्त भी आपने तोल मोल के यही बोला था कि नहीं, मैं टाटा मोटर्स को बहुत प्रिफर करता हूँ लॉन्ग साइड। मुझे याद है आज से लगभग 1.5-2 महीने पहले। अभी टाटा मोटर्स की क्या स्थिति है सुशील जी? टाटा मोटर्स जो है, अब अगर एक बड़ी चाल देने के बाद भी इसका करेक्शन जो है, देखिए इसकी चार्ट अगर दिख रही है आपके स्क्रीन पे, तो ये साइडवेज करेक्शन दे रहा है, ये टाइम करेक्शन दे रहा है, घटने को तैयार नहीं है स्टॉक। तो निवेशकों को तो इसमें बने रहना चाहिए, और अगर कल को कोई कारण से 593 का लो अगर टूट जाता है, फ्यूचर्स की चार्ट है, तो आप एक बार अपनी लॉन्ग को छोड़ दीजिए, और हो सकता है कि वो ओवरऑल कोई मार्केट करेक्शन अगर आ गया तो ही उस सूरत में घटेगा, वरना ये टाइम पास करके यहां से जब भी देखिए इस रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करेगा तो फिर और तेजी पकड़ जाएगा। तो टाटा मोटर्स इस वक्त साइडवेज है, कोई ट्रेंड नहीं है, पर जिस तरह से बिहेव कर रहा है लगता है इसमें ऊपर का ही ब्रेकआउट आएगा, ये घटने वाला नहीं है।